अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हाफिज रफीक और मैं आपको वर्चुअल इन पे खुश आमदेद कहता हूं। तो आइए आज क्वाड्रेटिक्स का लेक्चर नंबर 6 का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स, प्लीज आप मेरे लेक्चर को सीक्वेंस में देखिए और हर लेक्चर को एंड तक देखिए ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो आइए क्वाड्रेटिक्स का लेक्चर नंबर 6 का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 6 का हम पार्ट 1 आज स्टार्ट करेंगे। हमारा टॉपिक है सॉल्विंग इक्वेशन, यानी सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो हम इससे पहले दो मेथड पढ़ चुके हैं जिसके जरिए से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ये जो आज का मेथड हम पढ़ने लगे हैं ये रेयरली यूज किया जाता है, ज्यादातर यूज नहीं करते, लेकिन इस मेथड की जरूरत पड़ जाती है जब हम क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं या क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज को सॉल्व करते हैं। तो बेहतर है कि हम इस मेथड को सीख लेते हैं कि किस तरह से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। तो इसको एक एग्जांपल के जरिए से समझते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सॉल्व 4x स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 2x प्लस 12। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में मैं सबसे पहले इक्वेशन एज इट इज लिख दी है, लेकिन सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला जो स्टेप है वो देखें कि इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है कि नहीं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हम इसको लिख देते हैं। राइट साइड पे जीरो आ गया, स्क्वायर टर्म पहले है, ये मिडिल टर्म है और ये कॉन्स्टेंट टर्म है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसके अलावा और भी देख लेना चाहिए कि किसी भी इक्वेशन जो भी आप लिखते हैं या क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये जो लिखी हुई है तो फर्दर ये सिंप्लीफाई हो सकती है कि नहीं, यानी इसमें कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाए। तो आप देखें यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 12 है, ये तो सारे 2 पे डिवाइड होते हैं, तो हम थ्रू आउट डिवाइड करते हैं 2 से। इसको डिवाइड करेंगे तो 2 रह जाएगा, इसको करेंगे तो 1 रह जाएगा, यहाँ करेंगे तो 6 रह जाएगा। तो हम इसको ये लिख रहे हैं, तो ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अभी हमने मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर स्टार्ट नहीं किया, तो इसका पहला स्टेप ये है। वैसे जो मेरी बुक है आपको लेक्चर के एंड पे पता चल जाएगा, उसकी मैंने इमेज प्लेस की हुई है, उसमें हर स्टेप मैंने लिखा हुआ वर्ड्स में, तो आसानी से वहां से भी समझा जा सकता है। लेकिन फिलहाल हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला स्टेप ये होता है कि कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट करें। तो ये मैंने राइट साइड पे इसको शिफ्ट कर दिया, इसका साइन चेंज हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, नंबर 2 स्टेप है कि x स्क्वायर्ड का कोएफिशिएंट 2 यहां पर है, लेकिन कोई भी हो इक्वेशन हमने उसका कोएफिशिएंट 1 बनाना है। तो इसका तरीका ये होता है जो इसका कोएफिशिएंट हो उसी से ही थ्रू आउट डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पे 2 पे डिवाइड करते हैं, यहां पे 2 पे डिवाइड करते हैं और ये राइट साइड पे भी 2 पे डिवाइड करते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन है तो बैलेंस रहना चाहिए। तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, अब आ गया x स्क्वायर्ड माइनस हाफ x इज इक्वल टू 3। अब जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें हमें ये करना है कि जो x का कोएफिशिएंट होगा साइन को छोड़ के, तो ये 1/2 है, इसको रफ में या किसी कॉर्नर में लिख लेना है और उसको हमेशा 1/2 से मल्टीप्लाई करना है और सिंप्लीफाई करना है। तो ये देखिए मैंने ये 1/2 है इसको यहाँ पे लिखा और अपने पास से 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये मेथड का हिस्सा है, हमेशा ऐसे ही होगा। इसको सिंप्लीफाई करें, अगर कोई सिंप्लीफाई होता तो कर ले, अदरवाइज इसको मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें, तो ये 1/4 आ गया। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, ये मैं रफ में कर रहा हूं, तो आप जब आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये आप हेड में भी कर सकते हैं। तो अब इसका स्क्वायर करना, आपने तो स्क्वायर किया तो हमारे पास ये आ गया। तो ये जो नंबर आएगा 1/4 होल स्क्वायर, डिफरेंट इक्वेशन में डिफरेंट नंबर आएगा, इसको ये जो इक्वेशन है इसके दोनों तरफ एड कर देना आपने। तो हम ये एड करते हैं यहाँ पर, तो ऐड कर दिया हमने। अब ये जो लेफ्ट साइड है ये कंप्लीट स्क्वायर बन चुकी होगी, तो इसको देखना कि ये स्क्वायर वाली टर्म है और ये एक स्क्वायर वाली टर्म है। यहाँ पर स्क्वायर के नीचे x है और यहाँ पर स्क्वायर के नीचे 1/4 है, इन दोनों का स्क्वायर कंप्लीट होगा और वो जो स्क्वायर कंप्लीट होगा उसके अंदर माइनस साइन आएगा क्या प्लस, तो ये मिडिल टर्म हमें बताएगी। तो ये माइनस का
स्क्वायर कंप्लीट होगा। तो हम क्या करते हैं, राइट साइड को जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 1/16 आ जाएगा, इसका एलसीएम ले लेते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 1/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 49/16। तो याद दहानी के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं, जैसे a माइनस बी होल स्क्वायर आप पढ़ते रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर क्योंकि ए बी सी वैल्यू पहले यूज होती रही, मैं उसको नहीं यूज कर रहा, मैं उसको p या q में लिखता हूँ। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, हमने इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना, यानी कंप्लीट स्क्वायर करके लिखना है दो का। तो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2qx प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस क्यू होल स्क्वायर, यानी ये वाली स्क्वायर टर्म और ये वाली स्क्वायर टर्म अगर आपके पास हो और बीच में माइनस साइन हो, यहाँ पर 2qx नजर आ रहा है, यहाँ पर 1/2x है, लेकिन जब हम स्क्वायर को खोलेंगे तो यही आ जाएगा। तो हम इसकी जगह पे ये वाली फॉर्म अप्लाई करते हैं, क्या करना है, यहाँ पर x ये लिख देना है, इस जगह पे स्क्वायर के अंदर 1/4 है तो 1/4 यहाँ पे लिख देंगे, माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया। तो देखिए लेफ्ट साइड पे लिख दिया एक्स माइनस 1/4 होल स्क्वायर इक्वल टू 49/16। अब हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ऊपर तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हम खत्म करते हैं स्क्वायर रूट से, तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लिया, एक तरफ प्लस माइनस साइन आ गया ताकि दो रूट्स आ जाएं जो कि इसको सेटिस्फाई कर सकें। तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर जो है वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, या एक दूसरे के रिवर्स हैं तो इनवर्स हैं, तो इस वजह से हमने लेफ्ट साइड पे लिख दिया एक्स माइनस 1/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसका स्क्वायर रूट निकाल दिया, इसका निकाल लिया तो 7/4 आ गया। अब आप क्या करते हैं कि हमें एक्स चाहिए, यहाँ पर इसमें से 1/4 माइनस हो रहा है, तो इसको राइट साइड पे ले जाते हैं ताकि हमारे पास एक्स रह जाए और उसका साइन भी चेंज हो जाए। तो अब हम इसके दो रूट्स निकालने लगे हैं, एक रूट स्टार्ट करेंगे प्लस साइन के साथ और दूसरा माइनस के साथ। तो देखें इधर एक्स इज इक्वल टू 7/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 2, और दूसरा है एक्स इज इक्वल टू ये माइनस साइन के साथ माइनस 7/4 प्लस 1/4, इसका एलसीएम ले लिया तो हमारे पास ये आ गया -3/4। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस आ गए, 2 और -3/4, या दो रूट्स भी आप इनको कह सकते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करते हैं और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से उसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 की स्टेटमेंट मैं पढ़ता हूं आपके लिए। बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ये इक्वेशन मैंने एज इट इज लिख दी। तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि हमें चेक करना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। दूसरा स्टेप क्या करना होता है हमने कि सिंप्लीफाई हो सकती है कि नहीं, तो कोई भी कॉमन नहीं है यहाँ पे नंबर, तो इस वजह से ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, ये हमने इसको शिफ्ट कर दिया। नेक्स्ट मेथड क्या होता है कि एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है साइन के बगैर, उसको रफ में कहीं लिख लेते हैं, कॉर्नर में लिख लेते हैं, और उसको हमेशा 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर सिंप्लीफाई करते हैं। तो मैं करने लगा हूँ, 2 लिखूंगा यहाँ पर और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा हाफ से, हमेशा हाफ से मल्टीप्लाई करना है। तो ये मैंने लिखा, 2 को 2 से कैंसिल किया तो इसका आंसर 1 आ गया। फर्दर क्या करते हैं, ये जो नंबर आता है इसका स्क्वायर करते हैं, इसका स्क्वायर मैंने ये कर दिया। अब क्या करना है, ये जो ऊपर इक्वेशन है इसके दोनों तरफ इसको ऐड करना है आपने, तो ये मैंने ऐड कर दिया इसको दोनों तरफ मैंने इसको ऐड कर दिया। अब आप जरा देखें कि इस लेफ्ट साइड पे ये कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, किसका, एक स्क्वायर के नीचे एक्स है और एक स्क्वायर के नीचे वन है, तो एक्स और वन का कंप्लीट स्क्वायर होगा, बीच में इनके कौन सा साइन आएगा, जो मिडिल टर्म का साइन होगा। इस तरफ सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये 1/35, ये 36 हो जाएगा। तो फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2qx प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस क्यू होल स्क्वायर। तो अब आप देखेंगे कि ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो लिख लेते हैं इसको, ये मैंने लिख दिया, हमें तो एक्स चाहिए तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लिया, ये दोनों एक दूसरे के एंटी प्रोसेस हैं,
तो हम क्या करेंगे कि 2 को ये स्क्वायर रूट कैंसिल कर देगा या एक दूसरे के इफेक्ट को ये जायल कर देंगे, तो इस तरफ आ जाएगा हमारे पास x माइनस वन, और 36 का स्क्वायर रूट निकालिए तो प्लस माइनस 6 लिखते हैं हमें। दो रूट्स निकालते हैं इसके, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। x इक्वल टू वन प्लस माइनस 6 लिख दिया। अब इधर x इक्वल टू वन प्लस 6 इक्वल टू 7 और x इक्वल टू वन माइनस 6 इक्वल टू माइनस 5। तो ये 7 और माइनस 5 इसके दो सॉल्यूशंस हैं। तो हम इससे पहले दो मेथड पढ़ चुके हैं और आज हमने ये तीसरा मेथड भी सीख लिया है। पहला मेथड था फैक्टराइजेशन का, दूसरा बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और तीसरा आज हमने ये पढ़ा है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो आज के लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।